आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये समय जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देखने की आज धनिया में काफी अच्छी तेजी बनती नजर आई है। धनिया 9500 9600 पर तो ट्रेड करता नजर आ ही रहा था काफी समय से, लेकिन आज देख रहे हैं 9800 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में धनिया 10,000 के भी लेवल्स दिखा देगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी? जी नहीं, मुझे प्रॉफिट बुकिंग तो आती हुई नहीं दिखती। मुझे लगता है कि ये दौर जारी रहेगा और काफी कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस निकली है। हमने एक जो दायरा देखा था 9000 से 8000 के बीच, जो लगभग 2 महीने तक प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया था, तो वो एक बेस थी जिसके बाद हम प्राइसेस को रैली होता हुआ देख रहे हैं। वहां पर काफी एक्यूमुलेशन हमने देखी, निवेशकों द्वारा बाइंग आते हुए देखी और मुझे अब लगता है कि ये जो तेजी है ये जारी रहेगी। इमीजिएट तौर पर 9850 का ही ब्रेकआउट है, टेक्निकली अगर हम देखें तो, यानी उसके ऊपर और बाइंग आकर्षित हो सकती है और जो निवेशक है लंबी अवधि के वो और एंटर करेंगे 9850 के ऊपर, और उसके ऊपर हम लगभग 10,200 तक के भी लक्ष्य देख पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमीडिएट तौर पर अगर 9850 के ऊपर प्राइसेस निकलती है तो ऐड किया जा सकता है 9600 के स्टॉप लॉस के साथ, और इमीडिएट तौर पर 10,200 से 220 तक का एक पोजिशनल टारगेट लेके चला जा सकता है। जी,